बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास से ये UPS आया है कि मैं आपसे फॉल्ट शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे फॉल्ट जो पेचीदा फॉल्ट होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो इसलिए मैंने यार कहा कि यार दोस्तों के साथ ये शेयर करता जाऊँ। अक्सर ऐसे फॉल्ट जो है ना दोस्तों के पास आ जाते हैं। ये देखें, मैंने इसमें से क्या था, ये मॉस्टर जले हुए थे इसके 3205 और साथ में IC रेड था, ठीक है इसका। और ये देखिए, मैंने सभी के सभी मॉस्फेट भी निकाल दिए, और इसके बाद जो इस सेट की पोजीशन है, इसे ऑन होना चाहिए और ऑन होके ज़ीरो फॉल्ट पे जाना चाहिए। पहले तो मैंने ये कहा था कि शायद मॉस्फेट इसके जले हुए हैं और इसलिए ये ऐसे कर रहा है, लेकिन ये देखें ये कुछ ऐसे कर रहा है। और ये काफ़ी सारे दोस्तों की कॉलें आई हैं कि यार जैसे हम बटन को ऑन करते हैं तो बस ये हल्का सा झटका लेता है और बंद हो जाता है। तो आज मैं अपने दोस्तों से यही शेयर करने वाला हूं कि ये क्या मसला हो सकता है। देखें तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो है ना ये डाल देते हैं कि यार ये LM358 जो है ये जला होगा कि जिसकी वजह से ये जो है ना ये सेट ऐसे कर रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये सेट में मैंने भी ये देखें पहले यही डाला है, LM358 ही इसमें इंस्टॉल किया है बेस लगा के। तो मैंने कहा हो सकता है यार इसमें यही फॉल्ट आ रहा हो कि LM358 सेंस नहीं कर रहा बैटरी को, तो इसलिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये इसका फॉल्ट नहीं था, मैंने ये निकाला IC इसका। ये निकालने के बाद ये देखें आपको हल्की हल्की रेजिस्टेंस से भी हीट हुई नज़र आएंगी। अच्छा, ये निकाला, ये जला हुआ था इसका, ठीक है। ये मैंने वैसे चेंज कर दिया, और ये भी अगर डेड हो जाए ना तो सेट ऐसे ही करता है जैसे ये कर रहा है अब। और अगर दोस्तों ये अगर ये वाला LM358 डेड हो जाए तो भी ये ऐसे ही करता है, ठीक है। लेकिन देखें ये भी चेंज किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा सब कुछ तो निकाला हुआ है इसका, फिर भी ये सेट ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऑन क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका ये वाला IC निकाला और मैंने लगाई यहाँ पे बेस। दोस्तों बेस लगाने के बाद बगैर IC के मैंने ये देखा कि सेट जो है, अब देखें ये बज़र पे भी चला गया और बज़र के बाद ज़ीरो फॉल्ट पे भी आ गया। ज़ीरो फॉल्ट दो दोस्तों अब दे रहा है, ये दे रहा है अब ये IC का और ये 3205 का। इसमें मेन इशू ये था कि जिस दोस्त के पास से मुझे सेट आया, जितनी देर तक ये IC शार्ट होगा ना आपका, उतनी देर तक ये वोल्टेज इसको भी वही जाते हैं 12 माइनस और 12 प्लस, इसको भी वही जाते हैं 12 माइनस और 12 प्लस। लेकिन क्या है कि ये तो हमारे जेहन में भी नहीं आ सकता यार ये जला होगा IC, ठीक है ना। ये कभी कभार ही जलते हैं दोस्तों, ऐसे IC जो होते हैं ये कभी कभार ही जलते हैं, लेकिन जिस वक्त ये जल जाते हैं, चाहे आप 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ इसके ऊपर, अगर ना सेट बने तो फिर आपको एक तो अफसोस भी होता है और दूसरा आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो मैं इसलिए आपसे फॉल्ट शेयर कर रहा हूँ कि यार ऐसे फॉल्ट भी आ जाते हैं कि इसमें देखें कि सिर्फ इसका और इसका नहीं फॉल्ट हो सकता, कि हमारे जहन में तो यही आता है ना कि यार अब ये झटके मार रहा है, ये तो मैंने निकाल दिया सब कुछ तो अब बैटरी सेंस वाला IC ही ख़राब होगा। लेकिन बैटरी सेंस वाला चेंज किया हुआ है ये भी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चेंज नहीं किया था तो ये वाला नहीं किया था, ये वाला मैंने चेंज किया। तो अब इंशाल्लाह ये सेट जो है ज़ीरो फॉल्ट पे शो करवा दिया इसने ज़ीरो फॉल्ट, और अब मैं इसके जो है ये वाले MOSFET इंस्टॉल करूँगा। MOSFET इंस्टॉल करने के बाद आपसे वीडियो शेयर करता हूँ कि इंशाल्लाह ये ऑन हो जाएगा। MOSFET इंस्टॉल करने के बाद मैं पहले इसका IC इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद इसकी ड्राइव चेक करूँगा, ड्राइव चेक करने के बाद आपसे ये शेयर करूँगा कि आप देखें ये सेट ओके हो चुका है इंशाल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसका ये IC जो SG3525 ये भी नया डाल दिया, और इसमें जो MOSFET थे 3205 ये भी मैंने नए इंस्टॉल कर दिए, और इसके साथ साथ ये देखें ये तो पहले ही दोस्तों इंस्टॉल था इसमें LM358, तो जो मैंने इसमें इंस्टॉल किया वो ये वाला, ठीक है, TL074। मैंने ये बेस लगाई है, ठीक है, नीचे, कि अगर हो सकता है दोबारा को मसला बने तो ये आसानी के साथ रिप्लेस हो सके, बेस मैंने इसलिए लगाई है, ठीक है। और अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ, और ये देखें, ये देखें ये मैंने ऑन किया इसे, और माशाल्लाह से ये देखें 228 वोल्ट आउटपुट ओके हो गया माशाल्लाह से ये सेट। और मैंने आपको बताया कि अगर छोटा सा फॉल्ट हो दोस्तों, छोटा सा, तो वो भी बहुत ज़्यादा तंग करता है। अगर फॉल्ट समझ में आ जाए तो सबसे बेहतर है कि फौरी उसी वक्त मैकेनिक हो या जो भी भाई हो वो फौरी कर लेगा, और अगर ना फॉल्ट समझ में आए ना दोस्तों तो फिर इस पर टाइम भी काफ़ी सारा लगता है। लेकिन ये है कि कभी कभार इंसान के वो जहन में नहीं होता, क्योंकि इसकी साइड जो जली हुई थी वो ये वाली थी 3205 वाली, तो इसमें इस साइड पर तो जहन जो जाता ही नहीं था कि यार ये IC भी शार्ट होगा,
तो देखें आज मैंने जो फॉल्ट पकड़ा इंशाल्लाह, ये आईसी की शॉर्टेज थी और जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था ये वाला सेट, तो माशाल्लाह से ये स्टार्ट हो चुका है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम, अल्लाह हाफिज़।